छतरपुर में पुलिस ने हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वालों का जुलूस निकाला, जिसका मुख्य उद्देश्य बदमाशों में कानून के प्रति डर पैदा करने के साथ लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ाना था। छतरपुर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है। ताज कॉलोनी में 10 लाख की रंगदारी न देने पर प्रॉपर्टी डीलर के घर हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले दो बदमाशों का आज पुलिस ने जुलूस निकाला। पुलिस की मौजूदगी में घटनास्थल पर पुलिस ने दोनों बदमाशों को पैदल घुमाया और बदमाशों से बुलवाया गया कि फायरिंग करना पाप है, कानून हमारा बाप है। गौरतलब है कि प्रॉपर्टी डीलर हमीद खान के घर हुई फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस ने जब्त किया था, जिसके आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। यह मोहम्मद हमीद ने रिपोर्ट किया था कि जानसार नाम के अपराधी ने उन्हें 10 लाख देने के लिए बोला है कि हमें 10 लाख रुपए दो, नहीं तो हम तुम्हें जमीन संबंधी जो प्रॉपर्टी का वो धंधा करता है करने नहीं देगा। इसके बाद फिर इन्होंने फ़ोन पे भी उसको धमकियां दी और 10 लाख रुपए देने के लिए बोला। जब उसके द्वारा नहीं दिए गए तो जावेद और एक और बदमाश है जिसको जिनके द्वारा फायर कराए गए, इस पे से 386,506,34 IPC के प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। जानेसार और शेख जावेद को गिरफ्तार किया गया है। आज किस तरह का उसमें जलूस निकाला है? जलूस अलूस नहीं निकाला गया, इनसे घटना की तस्दीक की जानी थी और पूछताछ करना था कि कौन का घर कहाँ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।